चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाले हैं, आधार यूसीएल से रिलेटेड। बहुत सारे सीएससी वेली का क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि आधार यूसीएल हम किस टाइम पे चला सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन रहता है कि आधार यूसीएल किस डेट पे नहीं चलाना है। और भी इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जैसे कि हम एक दिन में कितना इनरोलमेंट कर सकते हैं आधार अपडेट के लिए। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि हमारी जो इनरोलमेंट हो रही है आधार अपडेट के लिए, वो प्रोसेस में है या फिर रिजेक्ट हो रही है, कितनी हमारी आधार कार्ड रिजेक्ट हो चुकी है, आधार पॉकेट डाटा हमारा सेंड हो रहा है या फिर होल्ड है। ये सारी बातें दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और जो नई अपडेट आई है आधार यूसीएल की, इसकी क्या फ्यूचर ऐड हुई है या फिर कुछ भी फ्यूचर ऐड नहीं हुआ, इन सारी बातों को दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे आधार यूसीएल से रिलेटेड। जो भी हमारे सीएससी के लिए आधार यूसीएल का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आधार यूसीएल की सॉफ्टवेयर को पहले ओपन करेंगे और साथ ही लॉगिन करेंगे, और इसके बाद इसकी इंटरनल जो फीचर होती है, कौन कौन सी सर्विस है, इन सारी बातों को हम जानेंगे डैशबोर्ड की मदद से। तो चलिए अब हम अपनी आधार यूसीएल की सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और इसे हम लॉगिन करेंगे। हमारी आधार यूसीएल की सॉफ्टवेयर दोस्तों ओपन हो चुकी है। अब हम ऑपरेटर आईडी और ऑपरेटर नेम सेलेक्ट करने के बाद इसे नेक्स्ट करेंगे। आधार यूसीएल की नेक्स्ट डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार की होगी दोस्तों। अब हमें जीपीएस कनेक्ट करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गो टू जीपीएस पेज पे क्लिक करना होता है हमें। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट जीपीएस में क्लिक करेंगे ताकि हमारा जीपीएस कनेक्ट हो सके हमारे पीसी के साथ। थोड़ी देर हम वेट करेंगे जब तक हमारी लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सर्च ना हो जाए। जीपीएस डिवाइस ने लोकेशन फाइंड कर लिया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, सेव जीपीएस कर देना है इसके बाद, ताकि हम नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकें। तो ये दोस्तों हमने सेव जीपीएस कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना होता है दोस्तों, प्रोसेस में क्लिक करना होता है, और इसके बाद हम सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ सके, और इसके बाद हमें वेरिफिकेशन करना होता है, तो हम इसे ओके कर देंगे लोकेशन फाइंड करने के लिए। हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगी दोस्तों, उसे हम वैलिडेट करेंगे। जब हम ओटीपी फिल कर लेंगे दोस्तों, अब हमें आयरिस डिवाइस के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन करना होगा, ऑपरेटर वेरिफिकेशन। तो चलिए इसे भी हम कर लेंगे। जब हम आयरिस डिवाइस पे वेरिफिकेशन करेंगे, इसके बाद हमें ओके करना है। दोस्तों आप पढ़ पा रहे होंगे, ऑपरेटर सेंड्रिक सक्सेसफुल। तो चलिए हम इसे ओके कर देंगे। यूसीएल सॉफ्टवेयर की मदद से आधार अपडेट करने के लिए दोस्तों हमें लाइफ साइकिल चेंज पे क्लिक करना होता है। इसके बाद हम ऑनलाइन अपडेट के माध्यम से किसी भी कस्टमर का आधार अपडेट कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों वो डैशबोर्ड। दोस्तों अगर हमें आधार यूसीएल की इंटरनल डैशबोर्ड को जानना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आधार यूसीएल की इंटरनल डैशबोर्ड जानने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे हम आधार यूसीएल की इंटरनल डैशबोर्ड के बारे में कि क्या क्या फीचर होते हैं इसके अंदर, और साथ ही जानेंगे दोस्तों कि आधार यूसीएल का टाइमिंग क्या होता है आधार अपडेट करने का, और किस दिन हमें आधार यूसीएल में वर्क नहीं करना चाहिए। अगर हम इन सभी चीज़ों को सावधानी से नहीं करते तो हमारी आधार यूसीएल की जो लॉगिन आईडी है वो बंद भी हो सकती है। आधार यूसीएल में वर्क करने का जो टाइमिंग है दोस्तों, वो है मॉर्निंग 8 से लेकर शाम 6 बजे तक। साथ ही दोस्तों ध्यान ये रखना है कि जो भी गवर्नमेंट की हॉलीडे होती है, उस डे पे आपको आधार यूसीएल में वर्क नहीं करना है, मतलब दोस्तों बैंकिंग आवर में ही वर्क करना है, और साथ ही बैंकिंग का जो हॉलीडे होता है उसी को आपको फॉलो करना है, ताकि आप यूडीआई की किसी भी रूल नियम को तोड़े ना और आपकी आधार यूसीएल ब्लैकलिस्ट ना हो। तो चलिए अब हम जानेंगे आधार यूसीएल की इंटरनल डैशबोर्ड के बारे में कि क्या क्या फीचर होते हैं इसके अंदर और किन किन जानकारियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब भी दोस्तों हम आधार अपडेट करते हैं, तो पूरी जानकारी अगर हमें प्राप्त करना हो कि किन की हम आधार अपडेट हमने किया है और वो आधार इनरोलमेंट किस प्रोसेस में है, पूरा हुआ या फिर नहीं हुआ, तो ये पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, प्रोसेस की सेटिंग जो होती है इसमें हमें क्लिक करना है, और फर्स्ट वाली ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे व्यू इनरोलमेंट डिटेल, इसके माध्यम से आप पूरी डिटेल जान सकते हैं कितनी आपने इनरोलमेंट की है और वो किस प्रोसेस तक है। अब हमें दोस्तों यश करना होता है। ये पूरी डिटेल दोस्तों हमारी 1 वीक की है।
व्यू इनरोलमेंट डिटेल के माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि इनरोलमेंट नंबर और इसके साथ डेट भी। इसके बाद रेसिडेंट का नाम जान पाएंगे दोस्तों आप, और आपकी जो डाटा है वो प्रोसेस में है या फिर नहीं है ये भी जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसे व्यू करने के लिए दोस्तों आपको प्रोसेसिंग स्टेट डिस्क्रिप्शन पे देखना होगा कि ये इनरोलमेंट प्रोसेस में है या फिर होल्ड है, रिजेक्ट है, जो भी हो ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे इसके माध्यम से। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, दिस इनरोलमेंट इज अन प्रोग्रेस, तो ये हमारी डाटा प्रोसेस में है। साथ ही दोस्तों आप कितनी अपलोड हुई है 1 वीक में वो देख पाएंगे, और इसके साथ ही आप जान पाएंगे कि जो भी आपने आधार यूसेल में वर्क किया है कितनी डाटा आपकी रिजेक्ट हुई है आधार इनरोलमेंट की, वो भी जानकारी आप इस डैशबोर्ड की मदद से जान पाएंगे। अब हम आगे की और कुछ ऑप्शन को जानेंगे दोस्तों, जैसे कि स्टैंडर्डाइज ऑपरेटर डिटेल। इसमें हमें लॉगिन करने के लिए मेनू हमारी मदद करती है। इसके बाद की मेनू जो है दोस्तों वो है जनरेट रिपोर्ट। इसकी मदद से दोस्तों हम 10 दिनों का पूरी डिटेल जान पाएंगे कि कितना इनरोलमेंट हमने किया और किस डेट में हमने कितना इनरोलमेंट किया है, ये पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है इसकी मदद से। तो हमें इसके लिए डेट यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम 1/12 से 9/12 तक की पूरी डिटेल को जानने, अगर हमें जानना हो तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें लोकल सर्च पे क्लिक कर देना है। तो पूरी डिटेल दोस्तों हमारी आ चुकी है, और साथ ही जान पाएंगे कि किस डेट में आपने कितना इनरोलमेंट किया है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जनरेट रिपोर्ट के माध्यम से आप जान पाएंगे। और भी ऑप्शन है डैशबोर्ड के अंदर दोस्तों, जैसा कि दोस्तों अब रहा ऑप्शन GPS डिटेल। इसके मदद से आप अपनी GPS की पूरी डिटेल जान सकते हैं। तो ये रहा हमारी लंगीट्यूड लॉटीट्यूड GPS की। प्रोसेस की सेटिंग में जाएंगे तो इसके बाद और भी आपको डिटेल मिलेगी, ऑप्शन मिलेगी, वो है ऑपरेटर स्टेटिक्स। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी मदद से जान पाएंगे। जैसा कि दोस्तों बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि 1 दिन में हम कितनी आधार अपडेट का कार्य कर सकते हैं, तो दोस्तों 1 दिन में जो वर्क करने का लिमिट है वो है 150, मतलब 150। 1 दिन में आप 150 आधार अपडेट का कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टेशन इन्फॉर्मेशन में आप देख पा रहे होंगे ऑपरेटर हैव टू डे लेफ्ट टू सिंड्रिक, ऑपरेटर लास्ट सिंड्रिक डन। हमारी जो डाटा सिंड्रोनाइज हुई है दोस्तों वो जो डेट है पूरी डेट आप यहाँ पे देख पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ अन अपलोडेड पैकेट ये भी आप जान पाएंगे। लास्ट के 30 दिनों के अंदर जो हमारी डाटा रिजेक्ट हुई है, किस कारण से हुई है, कौन सी डाटा, उसकी पूरी रिजेक्शन रीजन भी आप जान पाएंगे कि किस डॉक्यूमेंट के कारण कौन सी डाटा रिजेक्ट हुई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप ऑपरेटर स्टेटिक्स की मदद से जान पाएंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारी आधार UCL की इंटरनल डैशबोर्ड, जिसकी मदद से आप इन नॉर्मल सी डिटेल को जान पाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आधार UCL जो चला रहे हैं ऑपरेटर उनके लिए पूरी डिटेल जानना। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, उस कमेंट की भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।